ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 37 एंड 38। यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न श्रेयमस्माभि पापादस्मान्नि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तो हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले, तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो उनके सामने की पार्टी के लोग खड़े हैं कौरवास, उनके हृदय में लोभ है। लोभ क्या करता है? काम क्रोध और लोभ जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु माना गया है संसार में। हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु यही है। उसका शत्रु उसका पड़ोसी नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है, उसका शत्रु केवल उसके हृदय में ही काम के रूप में है, जो कि रजोगुण से आता है। तो जो काम है जब वो पूर्ण होता है तो लोभ में कन्वर्ट होता है, या काम को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो संतुष्ट ना होकर वो और बढ़ता है और लोभ बनता है। अगर संतुष्ट करने का प्रयास भी विफल हो जाता है तो क्रोध बन जाता है। तो इस प्रकार से लोभ क्या है? लोभ ये है कि जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो वो लोभ में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी अजीब सी बात है, हमें लगता था कि जब हम इच्छाओं को पूरा करेंगे तो हमारे अंदर संतुष्टि आएगी, इसीलिए तो हम करते हैं। लेकिन वास्तव में कभी ऐसा लगता भी है कि संतुष्टि आ गई, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी संतुष्टि आती है। जैसे कि माना आपको प्यास लगी है तो आप पानी पियेंगे, या साथ में एक कोल्ड ड्रिंक पीने का आपका मन किया तो आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। आप कहोगे मैं जब पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाऊँगा तो प्रभु जी मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। मिली जाएगी, एक नहीं दो पी के मिल जाएगी। दो पीने के बाद तो पी नहीं पाओगे, तीन पी लो उसके बाद तो वॉमिट ही कर दोगे। तो आपको देखो प्रभु संतुष्टि आ गई ना, ये संतुष्टि नहीं है क्योंकि तो आधे घंटे बाद आप फिर पियोगे। और इस प्रकार से लोगों को ये इतनी ज़बरदस्त हैबिट पड़ चुकी है कि लोगों का शरीर का सत्यानाश हुआ हो चुका है इन कोल्ड ड्रिंक्स को पी पी के। ये छोटा सा एग्जांपल है। आदमी कहता है मुझे हैबिट थोड़ी है, मुझे चाय पीने की कोई हैबिट नहीं है। ये कोई हैबिट है? हम कहते हैं ये हैबिट है, छोड़ देनी चाहिए। हैबिट थोड़ी है, छोड़ दीजिए। छोड़ूँ क्यों? क्यों छोड़ूँ? हैबिट नहीं है मुझे। लेकिन वास्तव में ये चीज़ें छोड़ने में बड़ी मुसीबत आ जाती है हमारी, क्योंकि लोभ में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ये हृदय, ये मन, ये इंद्रियों को
संतुष्ट नहीं कराया जा सकता इस प्रकार से। इसलिए भगवान का नाम है गोविंद ऋषिकेश, क्योंकि वो इंद्रियों इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रियों को संतुष्टि देने वाले हैं, और उस तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। तो हम लोग संसार में सारे के सारे लोग इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स डेली जो हमारी लाइफ में आते हैं टीवी इत्यादि जगह पर, वो इसीलिए आते हैं कि कैसे आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो कंपनियां बंद नहीं हो जाएंगी, फिर वो ऐड क्यों करें? संतुष्टि के लिए ऐड अगर वो देने लग गए तो फिर तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि आदमी को संतुष्टि हो गई तो फिर तो और क्यों मांगेगा वो। संतुष्टि का तो मतलब ही है नाम, सेटिस्फाइड, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर, इस प्रकार से। तो संतुष्टि नहीं मिल सकती है, बल्कि उससे क्या होता है, एजिटेशन होती है। ये थोड़ा सा अंतर है स्पिरिचुअल आनंद में और मेटीरियल आनंद में, कि स्पिरिचुअल आनंद में व्यक्ति को और मांगता है, उसमें भी और मांगता है, लेकिन उसको एक संतुष्टि भी प्राप्त होती है साथ साथ। लेकिन मेटीरियल आनंद में उसको एजिटेशन होती है। वो एजिटेशन का एग्जांपल क्या है कि जब उसको नहीं मिलता है वो चीज़ तो पागल सा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। इसी को यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि जब वो लोभ पूरा नहीं हो पाता है तो आदमी कुछ भी कर देता है, किसी को मार भी देता है। उस लोभी हृदय को अगर नहीं दिया गया तो ये समस्या है। स्पिरिचुअल जो आनंद है उसमें जो आनंद है वो आपको इस प्रकार से उत्तेजित नहीं करता कि आप ना, वो तो बल्कि हृदय को बड़ा निर्मल और साफ संतुष्ट बनाता चला जाता है। वो बात अलग है कि उसमें आनंद बढ़ता चला जाता है, थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि लोभ से अभिभूत चित्त वाले, इनका हृदय अब पागल हो चुका है, क्योंकि इनके हृदय में ज़बरदस्त डिज़ायर्स हैं जो कि पूरे का पूरा राज्य हड़पने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई। एक और एग्जांपल है, पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे लेकिन गांव भी नहीं दिए इन्होंने। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा लोभ पैदा होता है, इतना कुछ हड़पने के बाद भी दे वर नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए कह रहे हैं लोभ से अभिभूत है, इसलिए हमारे हृदय लोभ हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भगवान की कृपा से मिल गया आई एम हैप्पी, जो मिल गया। इसलिए कहते हैं जैसी पत्नी मिल गई बी सेटिस्फाइड, जैसा पति मिल गया बी सेटिस्फाइड। लोभ मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दूसरी जो अच्छी लग रही है उसकी कहानी तो वही जाने, हमें लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार से हम दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरे की नौकरी के लिए, दूसरे के घर के लिए, दूसरे की गाड़ी के लिए लोभी हो जाते हैं। और लोभ से क्या होता है, जैसा अभी हमने बोला, हमारी बुद्धि ख़राब हो जाती है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आदमी की सोचने वासना, उसका दिमाग में दिन रात वही चल, हाउ टू गेट इट, कैसे मैं इसको प्राप्त करूँ, फिर सही गलत विवेक बुद्धि समाप्त हो जाती है। यही बता रहे हैं कि इनकी विवेक बुद्धि समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई द्वेष दोष नहीं देखते। कहते दोनों बराबर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, परिवार को मारने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए आज ये परिवार को मारने के लिए इस युद्ध में सामने खड़े हुए हैं। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं, नहीं होता है अंतर। अब ये लोभ जो है इसके बहुत एग्जांपल है। अब देखिए हमारे इतिहास में ही देखते हैं, पढ़ते हैं, औरंगजेब उसने अपने भाई को मार दिया, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया इस लोभ के कारण। सोचिए गद्दी में मैं कैसे बैठूं, इसी गद्दी के कारण, जिस गद्दी के लिए आज ये युद्ध होता प्रतीत हो रहा है। तो इसी तरह से इनका तो इतिहास में ऐसे बहुत एग्जांपल हैं जिसमें लोभ के कारण आपने अपने परिवार वालों को ही समाप्त कर दिया। मैं आपको बता रहा था कि नेपाल के एक राजकुमार ने पूरे के पूरे परिवार को, राजसी परिवार जो रॉयल फैमिली थी, डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग टेबल में सबको एक साथ मार दिया। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, और उसके बाद राजा बन गया वहाँ का सब समाप्त। तो ऐसे एग्जांपल मिलते हैं लोभ से अभिभूत चित्त वाला अपने परिवार को मारने। इस संसार में हम देखते हैं बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत बड़े व्यक्ति को इंडिया में उसके भाई ने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया गोली से। तो ये एक आम खबरें हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं जितना ये हम आगे बढ़ रहे हैं संसार में डेवलपमेंट हो रही है, हम देख रहे हैं कि भाई की भाई से ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, बाप के बेटे से हो रही है, मारने में तुले हैं, सब लोग डरे हुए हैं, माता पिता भी डरे हुए हैं। माता पिता आज की डेट में प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो लिखते हैं मरने के बाद दूंगा, मरने से पहले कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा तो मुझे मार दोगे, निकाल दोगे, अनाथालय में डाल दोगे। डरे हुए हैं सब लोग, ये पता है सब जगह लोभ ही लोभ है, दिखता ही लोभ है।
लेकिन जहाँ स्पिरिचुअलिस्ट जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके हृदय में ये लोभ नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। उसको संतुष्ट रहना चाहिए कि वट एवर इज कमिंग, जो भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, नॉर्मल एंडीवर करने से। जानते हैं नॉर्मल एंडीवर और हाई एंडीवर। नॉर्मल एंडीवर वो होता है या नॉर्मल प्रयास जिसमें कि हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 10 साल तक लगे हैं पागलों की इतने सब बंद कर दिया जी, 10 साल बाद प्रभु जी बात करना, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, जब मैं ये कर लूँगा ये कर लूँगा ये कर लूँगा देन आई विल बी फ्री, देन आई विल डू, उसके बाद मैं जमा करूँगा, उसके बाद मैं आपकी क्लासेस में आऊँगा। ये हो गया अत्याधिक उग्र कर्म, कहते हैं इसको उग्र कर्म हो गया ये। तो नॉर्मल कर्म करने से, जिसमें कर्म के साथ साथ हम अपना भक्तिमय जीवन, अपनी सेवाएं, उन पर फोकस कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल प्रयास करने से। अधिक प्रयास करें भगवान की भक्ति के लिए तो उसमें जो हमें प्राप्त होता है वो उसमें संतुष्ट रहता है। ओके, एनी वे, यहाँ जो प्राप्त होगा उससे होगा क्या, हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट मनी मिलने पर भी जब मैं मेरी मृत्यु होगी तो मैं दोबारा जब संसार में आऊँगा तो ये मेरे साथ नहीं रहने वाला है। लेकिन भक्तिमय जीवन, भक्तिमय प्रयास अगले जीवन भी मेरे साथ रहने वाले हैं। कितना बढ़िया, देखिए सोचिए जरा, एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस आप अगले जीवन में भी खा पाओगे, और एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस आपके मरते ही समाप्त हो जाएगा। तो ये नहीं समझते हैं। भगवान बोलते हैं नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम वस्ते धर्मस्ते त्रायते महत्वते, यानी कि जो हम इस रास्ते में थोड़ा सा भी काम करते हैं वो अगले जीवन में भी हमारे साथ रहेगा, वहीं से चालू होगा। तो ये हम समझने का प्रयास करें, इसलिए कह रहे हैं कि लोभ से अभी समझते नहीं है ये लोग, ये परिवार को मार भी देंगे इस फायदे के लिए, आपसी लोगों को मार देंगे। इनको नहीं पता कि मित्रों से द्रोह करना चाहिए कि नहीं, इनमें कोई दोष इन्हें दिख ही नहीं रहा है कि हम तो मित्र हैं, हम तो परिवार ही हैं, लेकिन हम लोग, अब अर्जुन दूसरा लाइन कहते हैं कि हम लोग जो परिवार को समझते हैं, परिवार के बेनिफिट क्या हैं, परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। तो परिवार का कुछ लाभ है, अर्जुन को कुछ लाभ दिख रहा है, परिवार का कुछ फायदा है, जो कि हम अगले श्लोकों में सुनेंगे। यहाँ पर नॉर्मल डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि परिवार नहीं होगा तो शाम को चाय में समोसे कैसे खाएंगे, जब बारिश हो रही होगी तो पकौड़े कैसे बनाएंगे, बारिश के सीजन में उस पर जैसे डिनर पे कैसे जाएंगे, पिकनिक पे कैसे जाएंगे, तो वो परिवार की बात नहीं। परिवार का वास्तविक लाभ क्या है, हर आदमी परिवार को चाहता है, जानवर भी चाहता है। जानवर क्या करता है परिवार के साथ, साथ में जाते हैं, कहीं खाते हैं, नदी में जाते हैं, हाँ खेलते हैं आपस में, कई बार जानवर भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं। हमने देखा कुत्ता एक कुत्ते के पीछे भाग रहा है, फिर दूसरा बोला कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, वो आगे भाग रहा है, वो भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। तो कुछ तो अंतर होना चाहिए जो अर्जुन बताएंगे आगे आने श्लोक में। तो कह रहे हैं कि किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं परिवार समाप्त नहीं होना चाहिए। क्यों समाप्त नहीं होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने इसको बांध लिया हृदय से, इसको बिना समझे हुए, तो हमने बोल दिया कुल तो आगे बढ़ना ही चाहिए, लड़का होगा तो कुल होगा, लड़की होगी तो नहीं होगी, लड़की को मार दो तो इसलिए बोलना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो कुल तो आगे तभी चलेगा। अर्जुन भी तो यही कह रहा है कि परिवार को विनष्ट क्यों करना है, बट क्यों नहीं करना है ये इम्पोर्टेंट है ना। उस परिवार का क्या होगा जो जानवरों की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, बस जानवर की परंपरा को आगे बढ़ा के क्या लाभ मिल जाएगा, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। तो कह रहा है कि हम लोग तो समझते हैं कम से कम कि परिवार का क्या महत्व है, तो परिवार का क्यों आपस में झगड़ा हो। लेकिन यहाँ पर ये अर्जुन का आप समझ लीजिए चौथा लॉजिक है, बट इस लॉजिक में अटैचमेंट दिखती है। क्यों, क्योंकि अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा है कि वास्तविक परिवार क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर परिवार क्या है, क्योंकि हम कुरु हैं तो कुरु से ही ये निकले, हम सब लोग निकले तो कुरुवंश, तो हम एक परिवार हैं। कई बार हम कहते हैं हम एक गांव के हैं, हम सब एक ही गांव के हैं, हम एक परिवार हैं, हम सब एक शहर के हैं, या हम सब लोग एक देश के हैं। विदेश में जाएंगे तो देखें आ इंडियन हाय हरे कृष्णा हाय, इंडिया में नहीं पूछेगा एक दूसरे को, विदेश में जाते ही पूछेगा, वहाँ लगेगा हम एक देश के हैं, ये विदेशी है। तो कोई ना कोई हम कॉमन लिंक ढूंढते हैं, जो कि अक्सर बॉडी मैटर्स के लिए ऊपर होता है कि हमारी बॉडी भारतवर्ष में पैदा हुई, हमारी बॉडी इस गांव में पैदा हुई इत्यादि। तो ये रिलेशनशिप बॉडीली रिलेशनशिप है,
और ये इसलिए टेम्परेरी हैं क्योंकि बॉडी समाप्त होती है, रिलेशनशिप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा हमारा वास्तविक परिवार क्या है, जिस परिवार की अर्जुन यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा वास्तविक परिवार क्या है। हमें उस परिवार के अनुसार जीना है और उस परिवार में लौटना है। तो ये बात भूल कर लोगों ने परिवार वाले शब्द को बहुत पकड़ लिया, लेकिन इसका आंसर तो भगवान देने वाले हैं आगे, हम सब इसको सुनने वाले हैं कि वो कह रहा है कि जब परिवार ही तो है तो परिवार आपस में क्यों लड़े। इसका मतलब यदि परिवार में से कोई व्यक्ति गड़बड़ करे तो शांति से उसको दबा दिया जाए। जैसे कि आजकल कोई बहुत बड़े बाप का बेटा कार चलाता हुआ रात को गरीब लोगों को जो पटरी पे सो रहे थे रौंद के चला जाता है, पिताजी उसका केस दबा देते हैं। परिवार ही तो है, परिवारों को क्यों लड़ना है, दबा दो। एक दिन वो बेटा अपने बाप को भी ऐसी दबा देता है, क्योंकि ऐसे से यही तो है पाप कर्म। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि परिवार से ऊपर धर्म है, वास्तव में धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। हमें समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस परिवार को तो हमने बचा लिया, लेकिन उस पाप से कैसे अपने आप को बचाएंगे जो यहाँ पर हो रहा है, जो द्रौपदी के साथ हो चुका है, जो कितने पाप यहाँ पर इन लोगों ने कर दिए हैं। हाँ, इस ऐसे परिवार को तो समाप्त ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा परिवार जितना बढ़ेगा उतने ही अधर्म संसार में बढ़ेंगे। तो अर्जुन एनीवे अर्जुन कह रहे हैं कि परिवार को मारने में तो पाप है, तो ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हों, हे जनार्दन। अब आगे अर्जुन बताएंगे कि परिवार के समाप्त होने से अर्जुन के अनुसार क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हम उसको समझेंगे कि परिवार के समाप्त होने से प्रॉब्लम क्या है, वो अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।